आज कुछ अलग करने का सोचा है, ठीक है? तो इस रूम के बारे में जो कि अभी मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ, कुछ ऐसे टॉप रीजंस बताऊंगा कि आपको इस रूम को क्यों इंस्टॉल करना चाहिए आपके फ़ोन के अंदर, और क्या ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आप इसे स्किप कर सकते हो। तो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होगा, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि क्या ये आपको अच्छा लगा, इसी टाइप का और वीडियो चाहिए इन फ्यूचर या नहीं, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। नंबर वन रीज़न की बात करें तो वो है इसका ऑलवेज ऑन का सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स इसे प्रीफर करते हैं, तो इस रोम के साथ आपको ऑलवेज ऑन का सपोर्ट मिलता है जो कि अच्छे तरीके से काम करता टू की है। बात करें तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट गैलरी मिलता है जिसमें इतने सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि शॉर्ट लिस्ट, फ्री वीडियो इफेक्ट, आर्ट आईडी, मैजिक क्लिप, और यहाँ पे कलेक्स, और यहाँ पे वीडियो एडिटर। तो ये सारे ऑप्शन तो पहले थे, बट इसे सब कुछ टेक्स्ट में डाला गया है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं। और सेटिंग अंदर इन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लाउड का भी ऑप्शन मिलता है जो कि लेटेस्ट फीचर्स पे रन कर रहा है, जिसे ऑन करते हैं ये ओल्ड वाले आपको सेटिंग नज़र आते हैं, और बैक में आपको स्टोरेज वगैरह कुछ इस तरीके से दिखाई होगा कि कितना आपने यूज किया है और कितना आपने यूज नहीं किया है। रीजन नंबर थ्री जो कि सबका फेवरेट है, जीकेम का सपोर्ट यहाँ पे अच्छे से मिलता है, और जीकेम से आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, और पोर्ट्रेट काफ़ी कमाल का यहाँ पे क्लिक होता है, तो यहाँ पे आपको कैमरे से रिलेटेड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब तक जितने भी रोम आए हैं उनमें ये फीचर्स देखने को नहीं मिला है, एक दो में मिला भी है तो काम नहीं किया है, वो है हमारा मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट जो कि हमें चाइना में देखने को मिलता है, लेकिन EU ग्लोबल बाकी में कभी देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम के जो एप्लीकेशन है इसे आप चाहो तो हाइड कर सकते हो हमारे होम स्क्रीन से। अगर मैं कॉन्टैक्ट को यहाँ पे ऑफ कर दूँ तो ये हमारे होम स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट का आइकन जा चुका है। अब मैं इसे वापस लाऊं तो इसे बस मुझे ऑन करना होगा, और ये वापस सक्सेसफुली हमारे होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा जो कि लास्ट में है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है जिसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है स्टेटस बार से रिलेटेड, जो कि अभी तक बाकी में हमें नज़र नहीं आया है। तो अगर हम स्टेटस बार पे आते हैं तो रो एंड कॉलम मेंटेन करने का ऑप्शन मिलता है, साथ साथ डिफ़ॉल्ट सेंटर और AOS पे स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो क्लॉक के फॉर्मेट वगैरह को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ साथ कलर नोटिफिकेशन, ड्यूल नेटवर्क लेआउट, स्पीड, कैरियर लेवल और बैटरी के ओल्ड स्टाइल वगैरह को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और ये सब कुछ अच्छे से काम करता है और कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। नंबर सिक्स इसका जो ऐप वैलेट है, इसके अगर सेटिंग्स पे जाते हैं तो जितने भी ऐप ब्लर, वॉलपेपर ब्लर के फीचर्स ऐड किए गए थे वो ओनली ऑन एंड्रॉयड 11 के ऊपर था, बट इस एंड्रॉयड 10 पे आपको ये देखने को मिलता है। साथ साथ फेवरेट का ऑप्शन मिलता है, यानी थीम स्टोर में जो कुछ भी आप फेवरेट करोगे उनका छोटा मोटा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि अच्छे तरीके से काम करता है। और आप यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड सारे वॉलपेपर अब ब्लर हो चुके हैं, जो कि एक लेटेस्ट फीचर है एंड्रॉयड 11 का, और हमें इस एंड्रॉयड 10 पे देखने को मिलता है। नंबर सेवन जो कि इसका अबाउट है, जहाँ पे आपको इसका बिल्ड MIUI TR देखने को मिलता है 12.5 का लेटेस्ट बीटा 21.2.25, जो कि रन कर रहा है एंड्रॉयड 10 के ऊपर, और यही सबसे बड़ा रीज़न है इसे यूज करने का, क्योंकि एंड्रॉयड 11 होने के बाद हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, बट ये एंड्रॉयड 10 होने के बाद भी लेटेस्ट फीचर्स को कैरी कर रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2021.21 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आपके ख्याल में आ रहा होगा कि भाई ये PR का वर्जन है तो रीजन का इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ये फुल्ली फिक्स हो चुका है, तो आप कोई भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो और कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एट जो कि इसका सिक्योरिटी ऐप है, यहाँ पर आप स्लाइड करते हो यूटिलिटी के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि स्टार्टिंग पे आपको दिखाई नहीं देगा, बट थोड़ा लॉन्ग यूज करने के बाद यहाँ पे सारे फीचर्स आपके अनलॉक हो जाएंगे और हर एक सेटिंग को आप यहीं से एक्सेस कर पाओगे, लाइक फाइंड डिवाइस, शेड्यूल, ऑटोमेटिक, मोबाइल, यूटिलिटी, बैलेंस, बिल, क्यू बॉल, एप्स, ऑटो स्टार्ट, परमिशन, हिस्ट्री, बैटरी सेवर, एप्स लॉक, मैनेज, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि इस बाकी अदर रोम में हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नंबर नाइन स्पेशली फॉर गेमर्स, यहाँ पे जो आपको फाइनल अनटूटू का बेंच मार्क देखने को मिलता है
जो कि एक नॉर्मल है, बट आप इसे चेंज कर सकते हो। लेकिन जो गेमिंग की मैंने बात की है वो है हमारा वॉइस चेंजर, यानी आप वॉइस चेंजर काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हो, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड के 10 वर्जन के साथ आपको ये देखने को मिलता है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बट आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा क्योंकि अभी फ़िलहाल डिवाइस के साथ ब्लूटूथ कनेक्टेड है और ये अच्छे से काम करता है, चाहे आप ऑडियो कॉलिंग के लिए यूज करो या फिर आप यहाँ पे म्यूजिक लिसन के लिए यूज करो। और यहाँ पे जो स्कोर में आपको थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ जो डिफ़ॉल्ट कर्नल देखने को मिलता है वो है हमारा 3.18, तो आप अपने मर्जी के अनुसार इथेरियल या अंडरग्राउंड जो भी सपोर्ट और आपको बेटर लगे वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। 10 फॉर बैटरी लवर्स, यानी आपको एक ऐसा रूम चाहिए जिसमें अच्छा खासा बैटरी मिले और 12.5 के वजह से आपको काफ़ी कम बैटरी मिलता है, तो इसके साथ आपको मिलता है एक्सट्रीम बैटरी सेवर, जो कि काफ़ी ओल्ड फीचर्स है बट आजकल हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसके हेल्प से आपके बैटरी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, यानी आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और हमारा जो सिक्योरिटी ऐप में हमें बैटरी सेविंग और अल्ट्रा बैटरी सेविंग देखने को मिलता है वो भी देखने को मिलता है, यानी इसके अलावा आपको एक एक्सट्रीम का ऑप्शन दिखाई देता है जिसके हेल्प से आप देख सकते हो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है, तो इसकी मदद से आप बैटरी को काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर में यूज कर सकते हो और इसके सारे फीचर्स का आप बेनिफिट भी यहाँ पे ले सकते हो, जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने टॉप 10 ऐसे कारण बताए हैं जो कि इसमें काफ़ी बेहतरीन मिलता है बाकी अदर रूम के कंपेरिजन में, और इसके बारे में क्या ख्याल है आप कमेंट करके बताना। बट हर रूम परफेक्ट नहीं होता है, कुछ कमी ज़रूर होती है, तो इसमें भी कुछ कमियाँ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मे बी आप इसे इग्नोर कर सको सारे फीचर्स के होने के बावजूद भी, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। फर्स्ट आते हैं हम अपनी गैलरी के ऊपर, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरा जो गैलरी है इसमें एक स्क्रीनशॉट है जिसमें हमारा जो प्ले स्टोर है ये डिवाइस नॉट सर्टिफाइड दिखाई दे रहा है, तो अगर आप एक नॉन रूट यूजर्स हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसे रूट करना पड़ेगा तभी ये फिक्स हो पाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे दिक्कत आने वाला है। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है जिसके वजह से आप यहाँ पे वीडियो कॉल नहीं कर सकते, यानी आपको व्हाट्सएप फेसबुक डीयू यूज करना पड़ेगा वीडियो कॉल के लिए, क्योंकि अभी तक एंड्रॉयड 11 पे ही फिक्स हुआ है, एंड्रॉयड 10 पे कोई भी चांसेज नहीं है इसके फिक्स होने का। प्रॉब्लम नंबर आगे बढ़ते हैं 3 के ऊपर, तो वह है हमारा बटन लाइट, लेकिन इसे आप फिक्स कर सकते हो, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो दे रखा है कि इसे कैसे ठीक करना है। तो ये टॉप 3 आपको बग यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें से एक बग को आप रिसॉल्व कर सकते हो, सेकेंड को भी वीडियो कॉल के अदर ऐप का यूज करते हुए रिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मेजर देखने को मिलेगा वो है हमारे डिवाइस का नॉट सर्टिफाइड होना, यानी आपको यहाँ पे रूट करना पड़ेगा अगर आप बैंकिंग के ऐप यूज करना चाहते हो तो। ये रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चार्जिंग स्पीड की बात करें तो नॉर्मल सा ही देखने को मिलता है, ज़्यादा स्लो मुझे नहीं लगा है और परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और काफ़ी स्मूथ यहाँ पर रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है, तो आप इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हो अगर आप MIUI यूज करना चाहते हो तो, अदरवाइज कस्टम रूम भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि एक अच्छा सा रिस्पॉन्स देता है, अच्छा सा गेमिंग देता है, लेकिन ये फ़र्क हो जाएगा आपके MIUI लवर्स होना और कस्टम रूम लवर्स होने के बीच में। तो आप कमेंट करके बताना कि आज का स्टाइल कैसा लगा, इसी टाइप के वीडियोज इन फ्यूचर चाहिए या फिर पहले जैसा नॉर्मल था सेम उसी तरीके से चाहिए, और इस रूम के बारे में क्या ख्याल है वो भी आप ज़रूर बताना। मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करो, ये रियली में आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।